हेलो गाइस, आप सभी का पालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पालक और स्वीट कॉर्न का साग तैयार करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पालक और स्वीट कॉर्न का साग बनाना। पालक और स्वीट कॉर्न बनाने के लिए ये हमने एक बाउल पालक लिया है, इसको हमने उबाल कर पीस लिया है पालक को, और ये एक कटोरी हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं। दो टमाटर लिए हैं, इनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। दो चम्मच हमने बेसन लिए हैं, और ये हमने चार सूखी लाल मिर्ची ली है, और एक तेज पत्ता, चुटकी भर हींग, और ये कुछ मसाले लिए हैं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, और ये हमने एक टुकड़ा अदरक का और दो हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है। ये चार से पांच हमने लहसुन की कलियां, इनको भी चॉप कर लिया है। दो बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें अब मैं ऑयल डालूंगी। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें हींग डाल दूंगी, और साथ ही मैं चौथाई चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें ये लहसुन डालूंगी। लहसुन हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। मैं अच्छे से भून लूंगी प्याज को। और अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी। मसाले के अंदर मैं इसमें तेज पत्ता डाल दूंगी। और ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें ये दो चम्मच बेसन डाल दूंगी, और इसे भी मैं अच्छे से मसाले में मिक्स कर दूंगी। बेसन हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसे मैं भून लूंगी थोड़ा सा और, जिससे कि ये बेसन हमारा अच्छे से भून जाए। ये मसाला हमारा भूनकर तैयार हो चुका है, अब मैं ये पिसा हुआ पालक डाल दूंगी इसमें। मैंने पालक को ज्यादा बारीक नहीं पीसा है, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल दूंगी। और अब मैं इसमें आधा कप के आसपास पानी डाल दूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसे मैं ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और इसे मैं स्लो गैस पे ही चेक करते हैं। ये हमारी स्वीट कॉर्न और पालक की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे एक साइड में उतार दूंगी। और ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। ये हमारा घी गरम हो चुका है, अब मैं ये सूखी लाल मिर्ची डाल दूंगी, और इन्हें मैं फ्राई होने दूंगी अच्छे से मिर्चों को। ये हमारी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें गैस को बंद कर दूंगी, और चौथाई चम्मच मैं इसमें देगी मिर्च डाल दूंगी, और इसी इलाके में इस साग के अंदर डाल दूंगी करके को, और ये हमारा साग, ये हमारा
पालक और स्वीट कॉर्न का साग बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारा पालक और स्वीट कॉर्न का साग बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।